to show an intense love to them. But above all of those things, we need to spend all of our time at the deepest place of prayer, praying that God indeed would protect all those who hear this false message that comes from her lips. Because God's message is not miracles, but that the shed blood of Jesus Christ would cleanse humble sinners. And when miracles are emphasized, Jesus... ये अद्भुत था। देखिए, ये जो पास्टर आप देख रहे हैं, इनका नाम है पास्टर स्कॉट, कैलवरी चैपल के ये पास्टर हैं। और ये जो लेडी प्रोफेटस आप देख रहे हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहती हैं, इनका नाम है प्रोफेटस डायना। तो ये जो पास्टर हैं, ये इनकी इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, इस मीटिंग में आते हैं और चेयर पर आराम से बैठे मीटिंग को देख रहे थे। लेकिन ये जो प्रोफेटस हैं, वो इन्हें बुलाती हैं कि आप आगे आइए, हम आपके लिए प्रोफेसी करेंगे। तो प्रोफेसी क्या होती है, चलिए वो सबसे पहले देखते हैं। और सच में कोई भी, मैं कहता हूं, यकीन ना करता अगर ये सारी बातें लाइव कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड ना की गई होती। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोफेटेस इस पास्टर स्कॉट के ऊपर प्रोफेसी क्या कर रही थी। और जो एंड ट्विस्ट है वो अद्भुत है, उसके लिए जरूर इंतजार करना। God said there's a piece of information I'm to release to you, and I would not have been able to meet you had there not been a commotion, saith the Lord. But the Lord said, son, in this anointing tonight and from this day forward, will the Shekinah glory of the Holy Ghost begin to speak into your heart. Yes, there might be things that seem a little different or strange to you, my son, but the Lord said, I'm asking of thee this night. He said that even as you stand before what seems to be a strange and unusual event for you, he said, know that it was predestined for such a time as this in this land and in this region. Raise your hands because God's going to do something for you tonight. So, सबसे पहले सिनेरियो देखिए कि ये जो पास्टर स्कॉट हैं, बीच कंग्रीगेशन में, यानी जो कलीसिया थी उनके बीच में बैठे हुए हैं, और ये जो प्रोफेटस हैं वो उन्हें बीच में से बुलाती हैं, उन्हें चेयर से उठाती हैं और कहती हैं कि आइए, पवित्र आत्मा का कोई मैसेज है परमेश्वर की तरफ से आया हुआ आपके लिए, मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ वो मैसेज। और ये जो पीछे खड़े आप इंसानों को देख रहे हैं, ये उसे पकड़ने के लिए है कि जब वो गिरेगा हम उसे पकड़ेंगे। तो आगे क्या होता है कि ये प्रोफेटस उसे टच करते, उसे छूती है, उसे गिराने के लिए, और फिर कुछ बड़े ही खूबसूरत वर्ड यानी शब्द इसके लिए बोलती हैं कि परमेश्वर से आप बहुत प्यार करते हैं। अब सुनिए पहले। और सबसे पहले उसके हाथों के बारे में बोल रही हैं कि आपके जो हाथ हैं वो परमेश्वर के दिए हुए हैं और ये मसा किए हुए अनॉइंटेड हाथ हैं। और वो कहते हैं कि आप इसे जानते हो। To be a peacemaker and a bridge builder and a worshiper and an interceder and a seeker and a man who loves God with all of his heart. तो ये भविष्यवक्ता पास्टर के बारे में बता रही हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, आप परमेश्वर की चाहत रखने वाले हैं, तुम लोगों का मेल मिलाप कराने वाले हो, तुम एक ब्रिज का काम कर रहे हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो। काफी बढ़िया पॉजिटिव फ्लैटरी वर्ड्स हैं, जिसे कि शायद हर कोई सुनना चाहेगा कि आप बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये पास्टर, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये पास्टर खुद चलकर यहां पर नहीं आए हैं, इन्हें बुलाया गया है खुद इस प्रोफेटस यानी इस भविष्यवक्ता के द्वारा कि तुम यहां पर आइए, परमेश्वर का वचन मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूं। तो जो पास्टर आगे बोलने वाले हैं वो ये सोचकर नहीं आए थे कि हाँ मुझे स्टेज के ऊपर जाना है और कुछ बोलना है। नहीं, इस प्रोफेटस ने खुद बुलाया है परमेश्वर का वचन उसे देने के लिए। और ये सारी फ्लैटरी, बढ़ा चढ़ाकर बातों को, मीठी मीठी बातों सुनने के बाद पास्टर ने क्या कहा, चलिए वो सुनते हैं। सेवन डेज दैट शी इज हियर, एनी ऑफ यू दैट कम एंड एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स दैट कम, वी नीड टू बी डीपली रिस्पेक्टफुल, वी नीड टू शो एन इंटेंस लव टू देम, बट अबव ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी नीड टू स्पेंड ऑल ऑफ आवर टाइम एट द डीपेस्ट प्लेस ऑफ प्रेयर, praying that God indeed would protect all those who hear this false message that comes from her lips. What did he say? Prayer.
praying that God indeed would protect all those who hear this false message that comes from her lips. तो पास्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बढ़िया ढंग से प्रोफेटस को इस भविष्यवक्ता को झिड़का और लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ओके इनकी रिस्पेक्ट करो, सुनो इन्हें, लेकिन डीपली प्रार्थना ये करो कि परमेश्वर हमें इसके लबों से, जुबान से निकलने वाले झूठे मैसेज से बचा कर रखे. क्योंकि परमेश्वर का मैसेज क्या है वो ये आगे बताते हैं, सुनिए. Because God's message is not miracles, but that the shed blood of Jesus Christ would cleanse humble sinners. And when miracles are emphasized, Jesus is denied. वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बताते हैं कि परमेश्वर का मैसेज क्या है, कि परमेश्वर का मैसेज ये सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, कि चमत्कार ही सब कुछ है. वो बताते हैं कि परमेश्वर का मैसेज ये है कि जो प्रभु यीशु का बहाया हुआ लहू है वो उन गुनहगारों को माफ करता है जो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हैं. और वो कहते हैं कि जब चमत्कारों को ज्यादा ऊपर रखा जाता है या चमत्कारों के ऊपर जोर दिया जाता है तो प्रभु यीशु का इनकार किया जाता है, प्रभु यीशु के असल मैसेज को ठुकरा दिया जाता है. और फिर तुरंत ये प्रोफेटस डायना उसके हाथ से इस माइक को छीन लेती है और उससे मतलब बोलने नहीं देती हैं. लेकिन इसके बाद भी कुछ होता है बहुत ही अद्भुत, और वो जो होता है वो भी अमेजिंग है. सुनिए फिर क्या हुआ. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी यहां पर, जब ये पास्टर बोल रहे हैं तो सबसे पहले कहती हाँ यस यस, लेकिन तुरंत हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, कहती हाँ ये कैसे बोल दिया आपने, और उसके हाथ से मैक छीन लिया जाता है. तो ये पास्टर एम्फसाइज दे रहे हैं कि दिस इज, ये सब कुछ प्रभु यीशु के सुसमाचार, उसकी स्लीब, उसके लहू के बारे में है. ये झूठी भविष्यवाणियां, ये झूठे फ्लैटरी शब्दों के बारे में नहीं है. लेकिन फिर क्या होता है इस सब के बाद, क्योंकि यही प्रोफेटस, यही भविष्यवक्ता इस पास्टर को बता रही कि तुम परमेश्वर को प्यार करने वाले हो, तुम परमेश्वर की चाह रखने वाले हो, तुम्हारे हाथ मसा किए गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन इसके तुरंत बाद सब कुछ बदल जाता है. और वो क्या कहती हैं सुनिए. हम तुम्हें झिड़कते हैं, रिब्यू करते हैं. व्हाट यू आर रिमूव्ड फ्रॉम माय टेंट. And if you don't believe in miracles, that's not, you will need a miracle one day. Get this on film, because he'll need a miracle one day. And when he needs it, he'll know not to come to my church. अच्छा, आपको शायद याद होगा कि इसी प्रोफेटस ने, इसी भविष्यवक्ता ने इस पास्टर स्कॉट के बारे में कहा था कि वो परमेश्वर से प्यार करने वाला इंसान है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला इंसान है, परमेश्वर ने उसके हाथों को मसा किया है. लेकिन अभी कुछ ही पलों के बाद प्रोफेटस इसके बारे में क्या बोल रही है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, डीमन है, शैतान है. हाँ सुनिए, और कहती है कि इस डीमन को मेरे टेंट से, इस बेदारी की सभा से निकल जाना चाहिए. वाह. देखिए, हमें इस मुद्दे को थोड़ा गंभीरली लेने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि सुनिए, कुछ पल पहले ये प्रोफेटस उसे बुलाती हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्द बोलती हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से हैं. लेकिन कुछ ही पल के बाद उसे डीमन, उसे शैतान घोषित कर दिया जाता है. इसका सिंपली मतलब यह है कि पुराने नियम के अनुसार, जितना मैंने पढ़ा है व्यवस्था विवरण को, उसके हिसाब से यह भविष्यवक्ता झूठी है, फॉल्स है, शैतान की तरफ से है. बाइबल में ऐसा ही लिखा है ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में कि अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है यह कहते हुए कि पवित्र आत्मा ने उसे शब्द दिया है, लेकिन वो शब्द, वो वचन, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है, तो वो भविष्यवाणी, वो वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं था, और इस कारण वो नबी, वो भविष्यवक्ता झूठा था, अपनी तरफ से बोल रहा था. लेकिन इस बात को मारने की बजाय आप देख सकते हैं कि लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग फिर भी तालियां बजा रहे हैं और फिर भी इस प्रोफेटस डायना की सपोर्ट में हैं.
जैसे कि आज भी हो रहा है बहुत से हमारे इंडिया के चर्चेस में भी। भविष्यवक्ता जिनके बड़े बड़े नाम हैं, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करते हैं और वो भविष्यवाणी झूठी हो जाती है और फिर लोग फिर भी तालियां बजाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं कि हाँ हमारा पापा हमारा नबी झूठा नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मेरे ये सब कुछ बनाने का दिखाने का मकसद या मतलब यही है कि हम ऐसे भविष्यवक्ताओं से, ऐसी झूठी भविष्यवाणियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, जो कि बस यही कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, आपके लिए ये होगा, आपके लिए वो होगा, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल रहा है, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल रहा है। नहीं, परमेश्वर का मैसेज और परमेश्वर के जो नबी थे पुराने नियम में आप पढ़ते हैं, उनका मैसेज यही नहीं था। उनका मैसेज था, हर नबी ने यह प्रचार किया कि पश्चाताप करो। हर नबी ने पुराने नियम को पढ़ के देख लो, और नए नियम का, पुराने नियम का सबसे पहला नबी। आप कहेंगे भाई याकूब ये क्या, नए नियम का पुराने नियम का पहला नबी? यस, मैं बात कर रहा हूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, क्योंकि भले ही वो नए नियम में है लेकिन वो पुराने नियम का यानी पुरानी वाचा का नबी था। और उसका भी पहला मैसेज क्या था? पश्चाताप करो। प्रभु यीशु सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में से क्या था? पश्चाताप करो। हर नबी का मैसेज यही था, लेकिन आज इसके बजाय फ्लैटरी, अच्छे शब्द लोगों की कानों की खुजली को मिटाने वाले शब्द लोगों को दिए जाते हैं कि आप अमीर बनने वाले हैं, आपके ऊपर पैसे की बरकतें आ रही हैं, आपका पैसा दुगना होने जा रहा है। ये परमेश्वर की तरफ से मैसेज नहीं है। सो प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें जब भी आप किसी भी तरह के ऐसे नबियों को, ऐसे लोगों को सुनते हैं। हमें बेरिया के विश्वासियों को जैसे बनने की जरूरत है, जिन्होंने संत पौलुस के मैसेज को भी जज किया और देखा कि क्या संत पौलुस का मैसेज वैसे ही है जैसे हमारे वचनों में लिखा गया है। और आज हमें भी वैसे ही बनने की जरूरत है कि चाहे सामने पौलुस है या कितना भी बड़ा नबी क्यों ना हो, हम देखेंगे क्या ये वचनों में है।